हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसके कई मैंने पार्ट्स बनाए थे, यानी कि टोटल 11 वीडियोस में चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ है। वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको मैंने डाल दिया है। तो जैसा कि हर एक चैप्टर के एंड होने पे, हर एक चैप्टर के समाप्त होने पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और असाइनमेंट देता हूँ सेमेस्टर एग्ज़ाम के पर्पस से, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और असाइनमेंट फॉर द सेमेस्टर एग्जाम बेस्ड ऑन द चैप्टर 5, दैट इज़ द फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो कैड कैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेमेस्टर एग्जाम बेस्ड ऑन द चैप्टर 5। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा स्टूडेंट्स। तो पहले इंग्लिश का मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, फिर यही सारे क्वेश्चंस मैं हिंदी में डिस्कस करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हिंदी में भी क्वेश्चंस अपलोड किया करिए, तो इसलिए मैं आप लोग को हिंदी में भी इसके क्वेश्चंस दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस भी, सेमेस्टर एग्जाम। व्हाट डू यू मीन बाय FMS से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है स्टूडेंट्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ एक्सप्लेन करिए, तब भी आपको अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज याद हैं, यानी लाभ और हानियाँ याद हैं, तो उसको ज़रूर लिखेंगे। FMS का फुल फॉर्म क्या है? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो वो पूछ रहा है आप फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू मीन बाय मशीन लोडिंग। तो मशीन लोडिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था चैप्टर 5 के वीडियोस में, तो आप देख लीजिएगा मशीन लोडिंग क्या होती है, उसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है, तो उससे जो भी रिलेटेड डायग्राम है वो ज़रूर बनाएंगे एग्जाम में, तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका स्टूडेंट्स, दैट इज़ द डिस्कस अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स टाइप, यानी नम्यता कितने प्रकार की होती है और नम्यता होती क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ व्हाट डू मीन बाय शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसमें रिलेटेड मैंने ग्राफ भी बनवाया था, गैंट चार्ट भी दिखाया था और एक एग्जांपल भी दिया था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, तो कैसे शेड्यूलिंग करते हैं, तो एग्जांपल भी आप शो कर देंगे तो बेटर रहेगा एग्जाम में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ FMS। FMS के कितने प्रकार होते हैं वो मैंने डिस्कस किया है, उसको आपको लिखना है। साथ ही साथ जैसे टाइप्स FMS के कई प्रकार हैं, तो आप सारे प्रकार को मेंशन करके, सारे टाइप्स को मेंशन करके उसमें थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द रीसेंट ट्रेंड्स इन द FMS। तो रीसेंट ट्रेंड्स में मैंने डिस्कस किया था, वो भी आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट आपका है, राइट डाउन मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द FMS, यानी कि FMS और FMS के प्रायोगिक जो अनुप्रयोग हैं उसके बारे में लिखना है। FMS के मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ द फिजिकल सब सिस्टम। तो फिजिकल सब सिस्टम भी मैंने डिस्कस किया था, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको लिखने हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन द FMS इन CIM एनवायरमेंट, यानी कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में FMS यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का क्या रोल है, उससे क्या संबंध है, उसके बारे में आपको दिखाना है, शो करना है और लिखना है, ये मैंने डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट आपका है, डिस्क्राइब द क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, यानी कि नियंत्रण निकाय जो होता है FMS में, उसके बारे में, उसके अवयवों के बारे में लिखना, उसके एलिमेंट्स के बारे में लिखना। तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं हिंदी में भी आपको शो कर देता हूँ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो था, दैट इज़ बेस्ड ऑन द FMS। FMS को हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नम्य उत्पादन निकाय, यानी कि आपका जो FMS है उसको हम क्या बोले, नम्य उत्पादन निकाय से आप क्या समझते हैं, लाभ एवं हानियों के साथ सहित समझाइए। ठीक है स्टूडेंट्स।
यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज समझाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी में और इंग्लिश में सेम ही होगा, मशीन लोडिंग क्या होती है उसके बारे में लिखना है, मशीन लोडिंग से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद नम्यता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी एवं उसके टाइप्स लिखने हैं, प्रकार लिखने हैं। शेड्यूलिंग से आप क्या समझते हैं, शेड्यूलिंग क्या होती है उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद नम्य उत्पादन निकाय के प्रकार को समझे यानी FMS के कितने टाइप्स हैं। तो दो चीज़ें स्टूडेंट्स, एक होता है नम्यता, एक होता है नम्य उत्पादन निकाय यानी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों के अलग अलग टाइप्स हैं, दोनों के अलग अलग प्रकार हैं, तो वो आपको अलग अलग लिखना है, वो उसको अलग अलग ही पड़ेगा, उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है वीडियो में। और ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने चैप्टर 5 के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक वीडियोज़ डाले हैं, उसका PDF कॉपी भी मैं भेज दूंगा नोट्स का गूगल क्लासरूम में। अगर गूगल क्लासरूम में नहीं जुड़े हैं तो उसमें आप जरूर जुड़ जाएं। नेक्स्ट आपका है FMS की नई प्रवृत्तियों के बारे में लिखना है, दैट इज रिसेंट ट्रेंड्स इन FMS। उसके बाद आपका प्रायोगिक अनुप्रयोगों यानी कि मेथड्स और एप्लीकेशन FMS के लिखने हैं, नम्यता उत्पादन निकाय के। उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट क्या है, भौतिक उपनकाय के प्रमुख अवयवों को लिखना है, दैट मीन्स फिजिकल सब सिस्टम जो होता है उसके मेन एलिमेंट्स हैं उसके बारे में लिखना है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ द नम उत्पादन का CIM एनवायरमेंट में क्या संबंध है उसके बारे में लिखना है, तो FMS का CIM में क्या इम्पॉर्टेंट है, संबंध है, रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आपका है FMS में नियंत्रण निकाय के प्रमुख अवयवों को समझाइए, मैंने डिस्कस किया हुआ था, उसमें भी कंट्रोल सिस्टम में दो टाइप होते हैं नियंत्रण निकाय में, ओपन लूप और क्लोज लूप, वो भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये सारे 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे बात करते हैं असाइनमेंट नंबर 5 जो कि चैप्टर 5 का 5वां असाइनमेंट है, और आप लोगों ने जिन्होंने असाइनमेंट नहीं किया वो असाइनमेंट जरूर करें, गूगल क्लासरूम में ही सबमिट करें ताकि मैं उसको इवेलुएट कर सकूँ, उसके हिसाब से आपके इंटरनल मार्क्स लगा सकूँ। तो असाइनमेंट नंबर 5 में 3 क्वेश्चन होंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों मैंने शो कर रखा है। तो पहला है आपका व्हाट डू मीन बाय FMS, FMS से क्या समझते हैं, उसके लाभ और हानियों सहित समझाइए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका FMS को ही हिंदी में अगर बोलें तो क्या बोलते हैं, नम्य उत्पादन निकाय से आप क्या समझते हैं, उसके लाभ एवं हानियों सहित समझाइए यानी एक्सप्लेन विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सेकंड क्वेश्चन है असाइनमेंट का आपका व्हाट डू मीन बाय मशीन लोडिंग, मशीन लोडिंग से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। और स्टूडेंट्स आपको ये असाइनमेंट ऐसे करना है जैसे आप सेमेस्टर एग्जाम से के लिए लिख रहे हैं, यानी कि ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपके नोट्स भी बनते जाएं, और मैं चेक करूं तो मुझे लगे कि आपने अच्छे से लिखा हुआ है जैसे आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, दैट मीन्स उसमें पिक्चर्स जो भी रिलेटेड है, जो भी डायग्राम है उसको ज़रूर बनाएं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है थर्ड जो क्वेश्चन है, दैट इज़ द एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन FMS इन CIM एनवायरमेंट, यानी कि नम उत्पादन का CIM एनवायरमेंट में संबंध क्या है वो लिखना है आपको। तो ये असाइनमेंट नंबर 5 है, क्वेश्चन 1, 2, 3, और ये असाइनमेंट मैं गूगल क्लासरूम में भी डाल दूंगा, वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, असाइनमेंट कंप्लीट करके टर्न इन करना होगा। जो लोग गूगल क्लासरूम में नहीं जुड़े हैं, ये गूगल क्लासरूम नीचे शो हो रहा है आपके वीडियो में भी, तो उस पर आप उसको एंटर करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स साथ ही साथ जैसे कि हर एक चैप्टर के एंड होने पे मैं ये भी बताता करता कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विज़ के फॉर्म में जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, इसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अभी क्विज नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद कल या परसों में मैं स्टूडेंट्स आपके लिए एक नया क्विज लेके आऊँगा जो कि पूरा कैट कैम से रिलेटेड होगा, और उसमें आपको एक कुछ टाइम लिमिट दी जाएगी, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 to 30 क्वेश्चन होंगे, और उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, समय दे दिया जाएगा 1-2 घंटे का, उसमें आपको कंप्लीट करके गूगल जो मैंने लिंक भेजूंगा उसमें ही सबमिट करना है। ऑप्शन बेस्ड होगा, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उसको सॉल्व करके आपको सबमिट करना है, और आपके अगर मार्क्स 50% या 60% से अधिक आते हैं, वो एक लिमिट रख दूंगा मैं, इतने परसेंट मार्क्स आएंगे तब आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा हमारे कॉलेज की तरफ से, MMIT कौशाम्बी की तरफ से। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, और साथ ही साथ असाइनमेंट को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए ताकि मैं आपका इंटरनल इवेल्यूएशन कर सकूँ। और साथ जितने और कोई भी डाउट आता है चैप्टर 5 से या किसी भी चैप्टर से, तो उसको आप पूछ सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या वीडियो में कमेंट करके। सो स्टूडेंट्स घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।